hello students today we will discuss chapter 9th of history which is expansion of british power in india let's begin with the chapter इन the 17th century इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड arrived इन in the इंडियन subcontinent as traders ट्रेडर्स तो सेवनटीन सेंचुरी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई एज ए ट्रेडर्स ट्रेडर्स के रूप में इनिशियली इट्स इस्टैब्लिश हेडक्वार्टर एट थ्री स्ट्रेटेजिक पार्ट्स ऑफ द इंडिया पहले सबसे पहले इन्होंने अपने तीन हेडक्वाटर्स बनाए एक मद्रास में एक बॉम्बे में और एक कोलकाता में देन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द एटीन सेंचुरी द ब्रिटिश इस्टैब्लिश द रूल इन बंगाल उसके बाद पहले उन्होंने सिर्फ ट्रेडर्स के रूप में आए थे उसके बाद सेकेंड हाफ में उन्होंने अपना रूल जमाना शुरू किया सबसे पहले बंगाल में उन्होंने रूल जमाया देन दे लुक्ड टू एक्सपेंड वो अपने जो पावर थी उनको एक्सपेंड करना चाहते थे इकोनॉमिक और पोलिटिकल डोमिनेशन ओवर अदर पार्ट्स ऑफ द सब अपनी जो पावर्स थी उसको फैला एक्सपेंड करना चाहते थे वो पावर्स को बढ़ाना चाहते थे बैटल ऑफ प्लासी के बाद वो बहुत ज़्यादा उभर उभर के आए ब्रिटिशर्स ठीक है उस टाइम पे जो मेजर पॉलिटिकल फोर्सेस थी इंडिया में वो कौन सी कौन सी थी मराठास थे सिक्स थे स्टेट्स ऑफ हैदराबाद और मैसूर थी ठीक है तो चालें चल के ठीक है डिप्लोमेटिक तरीके से कूटनीतिक तरीके से और या फिर लड़ाइयाँ रख लड़ के ब्रिटिशर्स एक तरह से एबल थे एबल हुए उस टाइम पे इन पावर्स को ख़त्म करने में और अपने इन जो एरियाज थे उनको सारे अपने कंट्रोल में लाने के लिए ठीक है अब कौन सी कौन से मोड से जिनके जरिए उन्होंने पावर को एक्सपेंड किया सबसे पहले सब्सिड्री अलायंस डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स एंड ड्रैक्स अनाशन और वेरियस प्रिटेक्स ठीक है सबसे पहले हम किसके बारे में बनेंगे सब्सिड्री अलायंस द ट्रिटी ऑफ सब्सिडी और सब्सिडरी अलायंस वॉज क्राफ्टेड बाई लॉर्ड वेलेसली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्राम सेवनटीन नाइनटी इसने बनाई लॉर्ड वि ने थ्रू द सब्सिड्री अलायंस ट्रिटी एनी इंडियन रूलर कुड सीक ब्रिटिश हेल्प इसके अंतर्गत क्या था कि कोई भी रूलर उनकी हेल्प ले सकता है अगर उन्हें हेल्प चाहिए एक्सटर्नल और इंटरनल अटैक्स में ठीक है पर इसके इसके रिटर्न में ब्रिटिशर्स ने क्या मांगा कि जो उस टाइम पे वो राजस्व को वो रूल देंगे जिनको वो प्रोटेक्शन देंगे वहाँ पे वो अपने ट्रूप्स अपने सोल्जर्स को परमानेंट लगा देंगे देन उसके बाद इंडियन रूलर्स हैव टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रूप्स अब उनको जो इंडियन रूलर्स हैं उनको उनकी देख के लिए पैसे देने पड़ेंगे एट टाइम्स इन पोर्शन ऑफ पेमेंट ए पोर्सन ऑफर द ब्रिटिश ठीक है मतलब थोड़ा सा हिस्सा किसको जाएगा ब्रिटिशर्स को जाएगा टेरिटरी होगी उनकी देन आता है अब ब्रिटिश रेजिडेंट वॉज कैप्ट इन द कोर्ट ऑफ द इंडियन किंग रूलर हैड टू पे एन एनुअल अमाउंट जो एक ब्रिटिश रेजिडेंट एक हमेशा इंडियन किंग के कोर्ट पे मतलब इंडियन जो उसका कोर्ट होगा किंग का वहाँ पे रहेगा और उसको एनुअल अमाउंट देनी पड़ेगी ठीक है वहाँ रहने के लिए और इंडियन रूलर कोई भी बाहर का बंदा यूरोपियन कोई एम्प्लॉय नहीं कर सकता जब तक उन उसको अप्रूवल ना दी जा सके ना दी गई हो ठीक है देन आता है या फ, कोई भी अलायंस किसी के साथ नहीं बना सकता गवर्नर जनरल को कंसल्ट किए बिना तो ये आता है सब्सिड्री अलायंस के जरिए में दस अंडर द सब्सिडरी अलायंस द रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स कोड रिमेन इंडिपेंडेंट तो अब इसके अंतर्गत क्या था कि सब्सिडरी अलायंस में जो एक तरह से रूल ब्रिटिशर्स का ही हो गया था मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो इंटरनल मैटर में तो अपने आप अपना अपना डिसीजन ले सकते थे पर एक्सटर्नल अफेयर्स में उनको बहुत ज़रा सोचना पड़ता था देन इसके अंतर्गत सेवरल स्टेट्स लाइक like हैदराबाद तंजौर, अवध भोंसले ग्वालियर इंदौर उदयपुर जोधपुर एंड जयपुर केम अंडर ब्रिटिश रूल थ्रू द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम तो ये कुछ टेरिटरीज थी जो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत आ गई इस अलायंस के ज़रिए सबसे पहले किसने किया था हैदराबाद ने ठीक है देन आता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अलायंस द अलायंसिडरी अलायंस वॉज डिसवानटेजेस फॉर द इंडियन रूलर्स अब रूलर जो इंडियन रूलर्स थे उनके लिए तो ये हानिकारक ही था ठीक है द साइनिंग ऑफ द इसके जरिए क्या था कि एक तरह से आप अपने इंडिपेंडेंस किसको दे रहे हो अपने इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स को दे रहे हो क्योंकि वो ही आपका सारा कुछ संभाल रहे हैं एक्सटर्नल मैटर्स में तो ठीक है देन आता है कि उनका जो देख रेख है शोल्जर्स की वो भी इंडियंस की तरफ से हो रही थी तो एक तो उनको तो अच्छा ही था ब्रिटिशर्स को पर यहाँ पे जो था ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था रिसोर्स अब हमारे कम हो रहे थे दैन सबसिडी अलायंस सिस्टम अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी की इंडियन रूलर प्रोटेक्ट ब्रिटिश द इंडियन रूलर्स निगलेक्टेड वेलफेयर ऑफ द पीपल दे नो लॉन्गर फियर हु सफर्ड अंडर देयर रूल तो अब क्या था कि जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने लोगों की भलाई की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया सिंस द अलायंस वुड स्ट्रेन ऑन द स्टेट ट्रेजडी एंडोर्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट सफर्ड द ब्रिटिश देन मिसगवर्नेस एज द प्रोटेक्स टू देयर किंगडम्स अब क्या था कि वो जब ड्रेन ऑफ वेल्थ होना शुरू हो गया तो एक तरह से मिसगवर्नेंस बोल के ब्रिटिशर्स ने कई किंगडम्स को अपने हवाले में कर लिया कि वह आप अच्छी तरह से अपने राज्य को नहीं संभाल सकते देन आता है द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ऑन द अदर हैंड इस दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स को इस चीज़ का फ़ायदा हुआ ठीक है उन उनको अपनी लार्ज आर्मी को मेंटेन करने के लिए रिसोर्स चाहिए थे वो उनको आराम से मिल रहे थे क्योंकि जो जहाँ पे वो प्रोटेक्शन दे रहे थे वो रूलर्स उनको पाल रहे थे एक तरह से देन उसके बाद दिस सिस्टम इनेबल देम टू फाइट वार्स ऑफ फ्रॉम देयर टेरिटरीज द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश मेंट दैट द

ब्रिटिशर्स किसी भी रूलर को अपने हवाले में रह सकते हैं सिर्फ ये बोल के कि यह रूलर अच्छी तरह से रूल नहीं कर सकता मिसगवर्नेंस भाई कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया तो उनको मिसगवर्नेंस का हवाला दे के उनको अपने अंतर्गत ले लेना अपने अंडर ले लेना सब्जुकेशन थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट अब मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के ज़रिए कौन से कौन से रीजन को अपने हवाले में लिया सबसे पहले कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर लाइक हैदर अली and later his son टीपू Sultan, the state of Mysore emerged as an independent and strong state which challenged the authority of the British. अब पावरफुल रूलर्स के अंतर्गत जो मैसूर स्टेट था वो उभर के आया ठीक है उन ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज भी किया द ब्रिटिश सॉ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान एज अ थ्रेट टू अटैम्प्ट टू इस्टिश इट्स पावर इन इंडिया तो अब ब्रिटिशर्स को पता था कि जब तक हैदर अली टीपू सुल्तान है वो अपने रूल को इस्टैब्लिश नहीं कर सकते इंडिया में ठीक है तो इसकी वजह कंपनी फोर्ट चार वॉर्स लड़ी मैसूर के साथ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार सेकंड एंग्लो मैसूर वार थर्ड एंग्लो मैसूर वार एंड फोर्थ एंग्लो टाइमिंग आपको याद रखनी है सेवनटीन सिक्सटी सेवन सिक्सटी नाइन एटी से लेके 84 एटी फोर तक सेवनटीन नाइन्टी से लेके 92 नाइन्टी टू तक सेवनटीन नाइनटी नाइन में ठीक है देन सेकंड एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली मारा नाग गया उसको किसने सक्सीड किया टीपू सुल्तान ने सक्सीड किया इन द बैटल ऑफ सरिंगा टीपू सुल्तान भी मारा गया वाइल्ड डिफेंडिंग एज कैपिटल सरिंगापतम द ब्रिटिश एमर्ज विक्टोरियस ठीक है तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने विक्ट्री हासिल की मैसूर किंगडम वॉज given to Vidya dynasty the former rulers of the region and was eventually placed under the subsidiary alliance system तो so, उसके बाद ये जो region था मैसूर region वो subsidiary alliance system के under आ गया जब टीपू सुल्तान के मरने के बाद जब उन्होंने विक्ट्री हासिल की दैन सब्जुकेशन ऑफ मराठास मराठा को कैसे अपने अंडर किया द disastrous डिफीट ऑफ द Marathas इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 left the Maratha मराठा एम्पायर इन रूंस अब 1761 में जब मराठा हारे बैटल ऑफ पानीपत तो एक तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ मराठा तो ये चाहते थे कि वो दिल्ली के मतलब दिल्ली में अपना एक तरह से सेंट एक सेंटर बनाना चाहते थे दिल्ली को अपना मराठा पावर का सेंटर बनाना चाहते थे पर वो एक ड्रीम जो था वो टूट गया ठीक है अब मराठा एम्पायर पांच आ, मतलब जो पहले तो एक सेंटर ऑफ पावर बनाना चाहते थे अब फाइव सेंटर ऑफ पावर बन गए अलग अलग चीफ्स के अंडर सबसे पहले पेशवास ऑफ पूना गायकवाट्स ऑफ बरोडा सिंधियाज ऑफ ग्वालियर होलकार्स ऑफ इंदौर भोसलेज ऑफ नागपुर ठीक है तो अब जो ये ग्रुप थे ये एक तरह किसके अंडर आते थे पेशवा के अंडर इट्स मोस्ट ऑफ वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया वर अंडर इट्स कंट्रोल द ब्रिटिश सबजोकेट फॉर देम टू अ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ फोर्थ पेशवा माधव राव द मराठा एम्पायर वॉज एबल टू रिकवर फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत तो अब फोर्थ पेशवा माधवराव के अंडर जो मराठा एम्पायर को नुकसान हुआ था बैटल ऑफ पानीपत में वो उससे उभरने में कामयाब हुए जब उसकी डेथ के बाद वार ऑफ सक्सेशन शुरू हो गई मतलब जो राज्य था उसके लिए लड़ाई शुरू हो गई इस तो ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है कि अब इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रही है हम इसका फ़ायदा उठाते हैं और बिगेन टू इंटरफेयर द मराठा अफेयर्स इन द होप ऑफ द सिचुएशन एंड गेनिंग टेरिटोरियल एंड मिलिट्री एडवांटेज ताकि हमको उस चीज़ का फायदा मिले फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर द इंग्लिश कंपनी फर्स्ट क्लास्ट विद द मराठा एम्पायर इन द एंग्लो मराठा वॉर विच बिगन इन सेवनटीन सेवनटी फाइव एंड तो सेवनटीन फाइव में शुरू हुई एंग्लो मराठा वॉर एंड हुई सेवनटीन एटी टू में पेशवा माधव राव की डेथ के बाद देर वॉज अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन इन पूना स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन मतलब कि वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी देर वॉज स्ट्रगल ऑफ पावर चल रहा था बिटवीन रघन्नाथ राव और ब्रदर ऑफ बालाजी बालाजी बाजी एंड नारायण राव यंगर ब्रदर ऑफ़ माधव राव तो अब इन दोनों में रघुनाथ राव और नारायण राव में वॉर ऑफ़ सक्सेसन चल रहा था कि कौन थ्रोन पे बैठेगा नारायण राव बिकेम द पेशवा हाएवर नारायण राव वॉज असेसिनेटेड इन सेवनटी सेवन थ्री बाय रघुनाथ राव पहले नारायण राव बैठा उसके बाद उसको आ, मतलब उतार के रघुनाथ राव बैठ गया उसको हटा के एन इंटेंस स्ट्रगल ब्रोक आउट बिटवीन द सपोर्टर्स ऑफ माधव राव सेकेंड इन्फेंट सन ऑफ नारायण राव लेड बाय मनाना एंड अंकल रघुनाथ राव द राइटफुल कंटेंटर ऑफ द थ्रोन तो अब इनमें बहुत ज्यादा झगड़ा चलता रहा थ्रोन के लिए बहुत टाइम तक चला ये झगड़ा अब रघुनाथ राव ने ब्रिटिशर्स की हेल्प ली मराठा तरुण को बचाने के लिए ब्रिटिश ब्रिटिश एग्रीड इन द होप ऑफ टेरिटोरियल मिलिट्री एडवांटेज ब्रिटिशर्स ने इसलिए हेल्प की थी कि उनको इसमें फायदा होगा तो रघुनाथ राव गेव द ब्रिटिश द टेरिटरीज ऑफ सेल्सटे एंड बेसिन इन रिटर्न ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री हेल्प तो रघुनाथ राव ने उनकी हेल्प के बदले में उनको टेरिटरीज दी सेल्सटे और बसीन की टेरिटरी नाना पद्मीनास यूनाइटेड ऑल द मराठा चीज टू तो फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर द इन्फेंट पेशवास थ्रून अब नाना फड के अंदर मराठा अलग अलग मराठाज इंक्लूड हुए यूनाइट हुए ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने में अब इनके कॉन्सिक्वेंसिस क्या हुए कि ये जो वॉर थी ये सात साल तक चली कोई भी इसकी अ, जो कंक्लूजन था वो नहीं निकला द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कीम टून एंड बाय द ट्रिटी ऑफ अब ट्रिटी ऑफ सालबाई के अंदर ये जो वॉर थी ये एंड हुई द ब्रिटिश एक्नोलॉज माधव राव सेकेंड एज पेशवा ऑफ मराठास एंड रघुनाथ राव वॉज पेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स ने माधव राव को एक तरह से पेशवा बना दिया और रघुनाथ राव को पेंशन पे कर दिया वाइल द वॉ डिड नॉट ब्रिंग मच मटीरियल गेन फॉर ब्रिटिश स्ट्रॉग रू कु पावरफुल एम्पायर लाइक मटीरियल लाइक मराठास तो अब ये उनको ज़्यादा फायदा तो नहीं हुआ पर एक पावर एक पावर उभर के आई कि वो एक पावरफुल एम्पायर को चैलेंज कर सकते हैं ठीक है देन आता है सेकंड एंग्लो मराठा वार पेशवा माधव राव सेकेंड डाइड पेशवा जो माधव राव सेकेंड थे वो सेवनटीन नाइन्टी फाइव में मर गए ही वॉज सक्सीडेड बाई पेशवा बाजीराव सेकंड ए वीक रूलर पेशवा बाजीराव सेकंड ने उनको सक्सीड किया जो एक वीक रूलर थे नाना फड़निवास जो जिन्होंने पहले फाइट की थी ब्रिटिश के खिलाफ उनकी भी डेथ हो गई एटीन हंड्रेड में विद ऑफ नाना फड़निवास कैफ द मराठा कॉन्फिट्यूस यूनाइटेड द मराठा चीफ्स एंड वर्क ऑन देर ओन एबिशंस रिजल्टिंग इन इंटरनल अब उनके मरने के बाद उन्होंने पहले यूनाइट किया था मराठास को पर उनके मरने के बाद फिर से दोबारा से इंटरनल कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए द सिचुएशन प्रूवड कंडक्टिव टू द ब्रिटिश हु रि रिज्यूम दर एग्रेशन टू वर्स द मराठा एम्पायर द मराठा चीफ वॉज एंगेज इन द इंटरल स्ट्राइक टू कंट्रोल दीट ऑफ पेशा इन पुनेडिल रियल डेंजर द ब्रटिश तो अब ब्रिटिशर्स को ये एक चांस लगा मराठा चीफ से तो वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट में उलझे हुए थे उनको ये नहीं दिख रहा था कि रियल डेंजर ब्रिटिशर्स से हैं उन्हें इन एटीन जीरो टू बाय दौलत राव सिंधिया वॉज डिफिटेड बाय यशवंत राव होल्कर द रूलराव से साइन द सब्सिडी अलायंस विद हाउ द अदर मराठा फैक्शन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अलायंस अब एक तरह से अपने राज्य को बचाने के लिए पेशवा बाजीराव से सबसिडरी अलायंस को साइन किया पर जो अदर मराठा रूलर थे उन्होंने इसको साइन करने से मना कर दिया इन एटीन सिंधियाज एंड भोमाज वेस्ड वार अगेंस्ट द ब्रिटिश बट वे वर लेटर डिफेटेड सिंधियाज ने और भोंसलेज ने वॉर डिक्लेयर की ब्रिटिशर्स के खिलाफ पर हार गए अब इसके कॉन्सिक्वेंसिस क्या हुए सेकेंड एंग्लो मराठा वार के सेकेंड एंग्लो मराठा वार ब्रोक द बैकबोन ऑफ मराठा एम्पायर एज द ब्रिटिश वर एबल फाइनली इनवेड मराठा टेरेटरी अब मराठा टेरेटरी की एक तरह से बैक बैक उन्होंने तोड़ दी क्यों तोड़ दी क्योंकि वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट उलझे रहे तो उनको बाहर का कुछ पता ही नहीं था देन बोथ सिंधिया एंड भोंसले रूलर्स एंटर्ड सब्सिडी अलायंस विद द ब्रिटिश अब सिंधिया और भोंसले रूलर जब हार गए तो वो फिर से सिंधिया अलायंस के अंडर में आ गए दे फॉर फोर्स टू गिव सम पार्ट ऑफ द लैंड एंड होस्ट ब्रिटिश स्टूडेंट जब वो सबसिडरी अलायंस के अंडर आ गए तो उनको भी सारी पॉलिसीज माननी पड़ी जो ब्रिटिश सब्सिडरी अलायंस में थी देन आता है थर्ड एंग्लो मराठा वार। द मराठा एम्पायर वॉज शैटर्ड विद द डिफीट इन द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉ एक तरह से ख़त्म हो चुका था मराठा एम्पायर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद द मराठा चीफ्स मेड अ लास्ट अटैम्प्टू डी गेंद द पावर अब मराठा जो चीफ्स थे उन्होंने एक लास्ट अटैम्प्ट बनाया कि वो पावर को अटेन कर सकें और इंडिपेंडेंस पा सकें एटीन सेवनटीन में दिस यूनिफाइड फ्रंट वॉज लेड बाई इस इस जो ये जो पावर थी जो इकट्ठी हुई थी इसको किसने रूल किया पेशोब बाजी राकिड ने बेशवा बाजीराव सेकेंड फॉर्म द यूनियन विद भोंसले एंड होलकर एंड बीज द फुल स्केल वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश अब भोंसले और होलकर के साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया मराठा असॉट ऑन द ब्रिटिश विगेन विद अटैक ऑन द ब्रिटिश रेजिडेंसी इन किरके नियर पूना सबसे पहले उन्होंने किरके पर अटैक किया एटीन सेवनटीन में हावर द ब्रिटिश फॉट बैक विदिंग भोंसले तो ब्रिटिटशर्स ने फाइट बैक किया और इनको जो ये यूनाइटेड फोर्स थी पेशवा की फोर्स की और होल्ड करके इनको हरा दिया देन आता है अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए पेशवा बाजीराव सेकंड वाज डिथोड एंड पेंशन ऑफ वो बिथोर पेशवा बाजीराव सेकंड अब क्या हो गए रूलर्स हटा दिए उनको पेंशन पे लगा दिया गया उनकी जो टेरिटरीज है वो किसने कब्जे में कर ली ब्रिटिश एम्पायर ने अपने कब्जे में कर ली देन भोंसले और होलकर को बहुत बड़ी टेरटरीज बहुत ज़्यादा टेरटरीज बहुत पार्ट्स जो थे वो देने पड़े देन होलकर को सबसिडरी अलायंस में एंटर होना पड़ा ठीक है तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंस थे जो उस टाइम पर फेस करने पड़े थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद देन आता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब अंडर द लीडरशिप ऑफ रणजीत सिंह द सिख किंगडम एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल फोर्स इन नॉर्थ इंडिया अब रंजीत सिंह के अंडर महाराजा रंजीत सिंह के अंडर सिख किंगडम उभर के आई एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह ठीक है नॉर्थ इंडिया में पर राज रंजीत रन्ज, सिंह ने एक ट्विटी साइन की थी ट्विटी ऑफ अमृतसर जिसके अंतर्गत की ब्रिटिशर्स की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी सिख किंगडम में आफ्टर महाराजा रंजीत सिंह डेथ इन 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होगी उसके बाद ए पावर स्ट्रगल ब्रोक आउट इन लीडिंग टू तो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द रीजन अब वॉर ऑफ़ सिक्सेशन शुरू हुई और उसके बाद पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई द ब्रिटिश शॉद एज अपॉर्चुनिटी टू अटैक द सिक्स एंड अब ब्रिटिशर्स ने अपॉर्चुनिटी समझा और सिक्स के ऊपर अटैक करके उनकी टेरिटरी को अपने में लेने का सोचा ठीक है तो द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुई 1845 टू 1846 रिजल्टेड इन द साइनिंग ऑफ इसके अंतर्गत एक ट्रिटी साइन हुई ट्रिटी ऑफ लाहौर बाय द ट्रिटी सिक्स लास्ट टू थर्ड्स अब इसकी ट्रिटी के अंडर उनको जो जिनको जो उनका किंगडम था उसका टू थर्ड इसको देना पड़ा ब्रिटिशर्स uh, को देना पड़ा इसके इंक्लूड में क्या आता है जलंधर दुआब आया था एक्सटेंडिंग ब्यास रिवर टू तो सतलुज रिवर टू तो द ब्रिटिश मतलब जो मेन चीज़ थी वो उनको देनी पड़ी फर्दर द पंजाब आर्मी वाज रिड्यूस टू अब इसके बाद जो पंजाब आर्मी थी वो कम हो गई ट्वेंटी थाउजेंड गई और ट्वेंट कैबलरी uh, और ट्वेल्व थाउजेंड इन्फेंट्री गई इन्फेंट्री फोर्स ब्रिटिश रेजिडेंट एंड फोर्स वॉज स्टेशन लाहौर लेटर अनदर ट्रिटी वर्सी फोर्टी सिक्स विच मीट द ब्रिटिश प्रेजिडेंट द रियल रूल ऑफ पंजाब दस पंजाब सीज टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट अब एक और ट्रिटी हुई जिसके अंडर के क्या हो जो ब्रिटिश प्रेजिडेंट सब्सिडरी अलाइंस के अंडर आता था वो उसको रियल रूरल माना जाने लगा और जो ब्रिटि पंजाब था वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं रहा दैन इन द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो हुई एटीन फोर्टी एट टू एटीन फोर्टी नाइन पंजाब वाज डिविटेड एंड कम्पलीटली नेक्स्ट बाई द ब्रिटिश पंजाब हार गया और ब्रिटिशर्स ने अपने हवाले में कर लिया देन ब्रिटिश एक्सपेंशन अंडर डलहौज़ी अब डलहौजी के अंडर डलहौजी ने एक सबसे पहले पहले फेस में जब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बैटल के जरिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया अपने अम्पायर को सेकेंड वेव में जो क्या क्या ब्रिटिशर्स ने कुछ डिप्लोमेटिक मेथड्स यूज किए जिसके साथ उन्होंने कई सारे जो किंगडम्स थे उसको अपने कब्जे में ले लिया सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स डिप्लोमेटिक मैथड्स डॉक्टर ऑफ लैब्स डॉक्टर ऑफ़ लैब्स के अंडर क्या था लॉर्ड एलॉडी डिवाइजर डॉक्टर ऑफ लैब्स डॉ लॉर्ड डी ने पास किया था ये टू अनेक्ट सबॉर्डिनेट स्टेट टेरिटरीज दैट वर ऑलरेडी अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश डलहौजी देम अंडर डायरेक्ट कमांड ऑफ द ब्रिटिश अब यह उन स्टेट्स के हवाले में शुरू किया था जो पहले जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था पर पूरा रूल नहीं था वो पूरा रूल चाहते थे इसीलिए उन्होंने ये डॉक्टर ऑफ लैब्स शुरू किया इसके ये क्या था डाइज पर डॉक्टर ऑफ लैब्स इफ द रूलर ऑफ सबॉर्डिनेट स्टेट डाइड विद द नेचुरल मेल इन हिस किंगडम वुड ऑटोमेटिकली लैब्स और पास इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश अब इसके अंतर्गत क्या था कि कोई स्टेट है uh, जो ब्रिटिशर्स के अंडर भी आती है तो वो क्या है कि अगर उसमें कोई ऐसा रूलर है जो जिसका कोई आगे वंश नहीं है कोई मेल बच्चा नहीं है तो वो किंगडम किसके पास चला जाएगा ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के पास द इंडियन रूलर कुड नॉट अडॉप्ट सन और पास ब्रिटिशर्स कोई भी सन को अडॉप्ट नहीं कर सकते उनका नेचुरल सन होना चाहिए वो ठीक है तो इसके अंतर्गत बहुत सारी स्टेट जैसे सतारा जैदपुर संबलपुर उदयपुर नागपुर झांसी वर नेक्स्ट अंडर इसके डॉक्टर ऑफ लैब्स के अंडर ये सारी जो किंगडम्स थे ये किसके अंडर आ गए ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए देन आता है माला एडमिनिस्ट्रेशन माला एडमिनिस्ट्रेशन क्या था कि सेवरल सबॉर्डिनेट स्टेट वर आल्सो नेक्स्ट ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ माला एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंतर्गत क्या था कि जो रूलर्स हैं वो आ, अच्छी तरह से रूल नहीं कर सकते मतलब अपनी गवर्नमेंट को नहीं चला सकते इसीलिए जो क्या थे ब्रिटिशर्स वो उसको अपने हवाले में ले लेते थे नेक्स्ट सेशन ऑफ अवध इसके अंतर्गत द नेस्ट ऑफ अवध हुआ गवर्नर जनरल लाहौजी वाज इंटरेस्टेड इन द ऑफ द किंगडम ऑफ अवध द नवाब ऑफ अवध हैड बीन एन एली ऑफ द ब्रिटिश इन्स द बैटल ऑफ बक्सर इट हैड हैल्सो साइन द सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश तो अब इसके अंतर्गत जो अवध स्टेट था वो माला एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ब्रिटिशर्स ने अपने हवाले में किया तो जो अवध था वो सब्सिडरी अलायंस के जरिए तो ब्रिटिशर्स के हवाले में था ही अंडर में था ही पर उसके मेल हाइड मतलब जो नेचुरल हायर थे वो थे मतलब उसका वंश आगे बढ़ाने वाले रूलर थे तो वो डॉक्टर एंड आप लैब्स के जरिए तो अपने हवाले में नहीं कर सकते थे इसलिए उन्होंने माला एडमिनिस्ट्रेशन ये आरोप लगाया कि आप अच्छी तरह से गवर्नमेंट को रूल नहीं कर सकते तो इन्होंने माला एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए उनकी स्टेट को एटीन में अपने हवाले में कर लिया तो अब अवध के बाद बहुत सारे ब्रिटिश ट्रूप्स ऐसे सोल्जर ऐसे थे जो अवध से बिलोंग करते थे तो उनको इस चीज़ का बुरा लगा और रिवॉल्ट का मेन कारण जो रिवॉल्ट ऑफ एटीन हुआ था उसका में, कुछ आ, जो कारण थे कॉजेज थे उसमें एक कारण ये भी था ठीक है माला एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए जब अवध को अपने हवाले में किया था एक कारण ये था एक डॉक्टर ऑफ लैप्स था ठीक है कुछ कारण और भी वो आगे पढ़ेंगे हम सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे